हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल खबरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और इसी तरह की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप लोग फ्री में जो है फास्टेस्ट RDP 1 सेकंड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक VPN चाहिए। अगर तो आप पाकिस्तान या इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में हैं तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इन कंट्रीज में रहते हैं तो आप लोगों को VPN की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्री VPN की एक्सटेंशन है VPN। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं VPN एक्सटेंशन। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सामने आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने सिंपली इसको क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप लोगों के पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी तो आप लोगों ने इस तरह से, मैं आप लोगों को वेबसाइट के, आप लोगों ने इसको सबसे पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जाना है mail.tm पे, क्योंकि आप लोगों को एक टेम्पररी ईमेल चाहिए होगी अकाउंट क्रिएट करने के लिए, या अगर आप लोग अपनी जीमेल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो mail.tm पे आया हूँ। यहाँ से मुझे एक रैंडम जो है ईमेल मिल चुकी है। अब मुझे जाना है वेबसाइट पे। तो आप लोगों ने सर्च करना है गीगल ऐप गूगल पे, या जहाँ भी आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास ये सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, वेब ब्राउज़र। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट, सिंपल सा दो तीन चीज़ें चाहिए होंगी। आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम जो है यहाँ से ईमेल को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये कह रहा है वर्चुअल ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस एंटर किया हमने। फिर ये हमसे, इसका थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि हम VPN यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो है वो स्लो काम करता है, लेकिन अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी इशू करे तो आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो मैंने रैंडम सा एक पासवर्ड रख दिया है। तो इस तरह से मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू पोर्टल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को एक ही रीजन है US, तो आप लोगों को उस रीजन में प्राइवेट में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये मुझे बोलेगा कि आप लोगों को पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए। तो मैं स्टेप को क्लोज करता हूँ। mail.tm पे मेरे पास ईमेल आई हुई है, मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वेरीफाई हो जाएगा, और मैं आप लोगों को RDP से क्रिएट करके दिखाता हूँ विद इन 1 मिनट। तो कह रहा है आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। न्यू पोर्टल पे जाऊँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जो है वो पोर्टल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और अभी हम जो है इसकी स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पीड जो है वो दे रहा है ये। तो हम जो है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्पीड टेस्ट टाइप किया और इसने कैसे 1 सेकंड के अंदर जो है वो स्पीड ब्राउज़र ओपन कर लिया। उसके अलावा हम जो है अभी इसको यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं कि यूट्यूब पे ये किस तरह वर्क कर रहा है। पहले हमारे पास स्पीड आ जाए कि इसकी स्पीड कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं 100, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। आप लोग 2000 MB/s पे ये जा रहा है। तो मैंने यूट्यूब सर्च किया है, यहाँ पे मैं अपना चैनल जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने 1 सेकंड के अंदर जो है वो मेरा चैनल भी ओपन कर लिया है यहाँ पे। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं हमारे पास IP एड्रेस जो है वो कौन सी कंट्री की है। तो IP एड्रेस हमारे पास US की है, कैलिफोर्निया की। तो गाइज, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने CPM वर्क या जिस भी पर्पस के लिए आप लोगों को ये चाहिए, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इससे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोई VPN भी यूज़ कर रहा है। आप लोग आई थिंक यहाँ से VPN भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी IP जो है वो चेंज करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो और वेबसाइट पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की एक और ट्रिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।